सो हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ ब्लॉग से। आज का विजिट हमारा हुमायूं का मकबरा है और मैं आपको पार्ट दो भाग में इसको वीडियो रिलीज़ करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कंटिन्यू बने रहें और फुल वीडियो आप देखें। ये मकबरे के परिसर के ठीक पहले नीला गुंबद या ब्लू डोम है, जो नीली टाइलों से सुशोभित इस अनूठी संरचना की सबसे खास बात यह है कि ये दृष्टिकोण और भीतर से एक वर्ग है। नीला गुंबद का निर्माण अब्दुल रहीम खान खान ए खान द्वारा करवाया गया था, जो आपको
ईसा खां मकबरे के चारों तरफ बाग बना है जो ज़मीन में धंसा हुआ है। बगीचे का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज होती थी। मकबरे के पास ही ये खूबसूरत मस्जिद है, इसे ईसा खान की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण के समय बनी है और इसमें ईसा खान ने नमाज अदा भी की है, पर अफसोस अब इस मस्जिद में लोग जूते पहनते हुए घूमते मिल जाएंगे। मकबरे में मौजूद कई वस्तु शिल्प विवरणों का हुमायूं के मकबरों में एक विशाल पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। ये मस्जिद है, इसी मस्जिद परिसर में नमाज अदा होती थी। अरबी और उर्दू में लिखी हुई कुरान की आयतें यहाँ पे आप दिख रहे हैं, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह और अल्लाह लिखी हुई है। के चारों तरफ से आपको चार बाग
सकते हैं। ये ईसा खान का पूरा डिटेल्स और मकबरा है। पार्ट टू में आपको हुमायूं का मकबरा और उसमें डिटेल्स दिखाया जाएगा। तो पार्ट टू देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।